ये आप मान चलिए जब रेट का टाइम आया तो माल नहीं है, मतलब माल नहीं होता इसलिए रेट बढ़ता है, जब माल कम हो जाता है, माल नहीं है तो रेट बढ़ गया, तो जब माल ही नहीं तो रेट बढ़ने से कोई मतलब नहीं। 100 रुपये 150 रुपये जो चल रहे हैं, जो 120 रुपये किलो 40 रुपये पौवा में जो आप खरीद रहे हैं, उनमें से इन किसानों के हाथ जो हैं वो बेहद कम पैसे आते हैं। अब जैसे रेट है 1000 रुपया 1400 रुपया, अब एक देखिए आप, आपके सामने एक नाली में किलो आधी बाल्टी टमाटर निकले हैं, तो इसमें अब जो अब रेट बढ़ने से क्या, अब टमाटर ही नहीं तो भैया रेट बढ़ने का क्या फ़ायदा है। और जो टमाटर खेत में था तब क्या था, तब 50 रुपये 60 रुपये करेट ज़्यादा था। मतलब अच्छे रेट में कितना माल जा रहा है ये पूछ रहा हूँ, कितने परसेंट? आखिरी में 15%। और एक जून तक आपने कितना बेचा है, या 15 जून तक क्या हिसाब जा रहा था आपका? वो 150-200 रुपये के रेट। यही मुद्दा है ना, देखिए बहुत सौ लोगों को लग रहा है कि किसान की जेब में बहुत पैसा आ रहा है, और आप लोग बता रहे हैं कि हमारा तो मतलब इस बार घाटा, तो आपका घाटा हो गया, मतलब कुल मिला के मैं मानूं, या कुछ घाटा पूरा हुआ 4 एकड़ में? ये 4 एकड़ में तो ये अपन थोड़े ठीक रहे हैं, क्योंकि मतलब पैसा बना है इसमें, लेकिन जो ठंडी सीजन का जो था उसमें पूरा ही पैसा, टमाटर तोड़ा ही नहीं, पूरा फेंका उसको। कितना था वो? वो 7 एकड़। अच्छा, 7 एकड़ मतलब 7 × 14 करिए आपको 16 लाख रुपए डूब गए। हाँ, मतलब जो मिर्ची में कमाया था वो टमाटर में खत्म हो गया। जब इनके खेत से अच्छा माल निकल रहा था, रोज टमाटर टूट रहे थे, तब इनको रेट मिल रहा था 70 रुपए कैरेट, 80 रुपए कैरेट, या 200-300 रुपए कैरेट। एक कैरेट में 25 किलो तक टमाटर होता है। अब जबकि रेट है 1400-1500-1000 रुपए कैरेट, तब इनके यहाँ माल निकला है सिर्फ 2 कैरेट। बाहर रखा, मैं आपको दिखाऊंगा। वो भारत में टमाटर जो है सुर्खियों में है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है टमाटर प्राइस, क्योंकि जो टमाटर की जो औसत कीमतें हैं वो 100 रुपये पर किलो के आसपास पहुंच गई हैं। फुटकर में भी जो टमाटर है वो तो 100 रुपये से ऊपर बिक रहा है, मंडियों में 1500 रुपये कैरेट। ये जो कैरेट आप देख रहे हैं इसमें 25 किलो के आसपास टमाटर आता है, और ये इस समय बिक रही है आजादपुर मंडी में 1000 रुपये से लेकर के 1500 रुपये पर कैरेट तक। जबकि अगर आप 10 जून के पहले की बात करेंगे तो यही जो कैरेट थी वो 300 रुपये तक के आसपास, 200 रुपये कैरेट तक का माल बिका है। तो इन 10 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि जो टमाटर है वो इतना महंगा हो गया, और क्या इस महंगाई का जो 100 रुपये किलो जो टमाटर आप खा रहे हैं उसमें से किसान के हिस्से में कितने रुपये जा रहे हैं? अभी बीच में 10 दिन पहले जो बारिश हुई, जो छुटपुट बारिश हुई है, उससे भी फसलों पर असर पड़ा है, उससे भी आवक घटी है, पैदावार भी घटी है, और मंडी में उससे आवक भी घट रही है। चौतरफा मांग भी है उत्तर भारत में, इसके लिए जो पैदावार वाला जो अब जो क्षेत्र है वो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत से ही टमाटर की आपूर्ति हो रही है उत्तर भारत में, लिहाजा महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, प्लस साथ साथ के अंदर में वहाँ की खरीदारी भी महंगी है चौतरफा मांग के कारण, इसलिए वो महंगा आ रहा है। और ये कब तक सीजन रहेगा इस तरह का, मतलब कब तक ये रह सकता है या अक्सर रहता है ये? अमूमन इस सीजन के अंदर में तो होता ही होता है, लेकिन इस बार तो जरूरत से ज्यादा ही महंगाई बढ़ गई है। उसका कारण क्या है कि साउथ में भी मानसून बहुत तेजी से आया, राजस्थान के अंदर में जो अभी चक्रवात का असर पड़ा उसका असर आपका आ गया, हिमाचल तक में आ गया है, इससे पैदावार अचानक बिल्कुल खत्म हुई है, तो उत्पादन का असर पड़ा है। हालांकि ऐसा होता नहीं, खासतौर से इस पर मानसून का फर्क आया है, पैदावार जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसके रेट डाउन होती जाएंगे। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अभी बाजार के अंदर में अस्थिरता है, कि महंगाई का पीछा करता हुआ व्यापारी भी पी सकता है और किसान का भी फायदा हो सकता है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि भारत में ये कायक टमाटर इतना महंगा क्यों हो गया है, तो मैंने सोचा कि नीट कोटली का एक काम है कि आपको बताया जाए सही तरीके से कि पूरा मुद्दा क्या है, क्यों ये महंगाई आई है। तो मैं खेत में आ गया हूँ, मैंने कहा किसान से समझते हैं क्या है, और मैंने कई और राज्यों में भी किसानों से बात की है, फिलहाल मैं बाराबंकी के खेत में हूँ। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि ये पहली बार नहीं है कि महंगाई तो ज्यादा हुई है, जून से लेकर के सितंबर तक के महीने में अक्सर जो है टमाटर महंगा हो जाता है, क्योंकि मौजूदा क्रॉप होती है वो खत्म हो रही होती है, कई बार गर्मी से कई बार बारिश से, और इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि कई जगहों पे तूफान आ गया है, कहीं पे मानसून जल्दी आ गया, कहीं मानसून देर से आया, तो बारिश है वो अनइवन रही, इस चक्कर में फसलें खराब हुई हैं, वैसा यहाँ पे हुआ। अब जिस मैं खेत में हूँ यहाँ पे देखो ये फसल एकदम खराब होने को है, किसान इसे जोतने वाला है, इनके यहाँ आज से 2 कैरेट माल निकला है पूरे से, तो ये क्या है, माल कम हो गया है और डिमांड ज्यादा है, इसलिए जो है ये इसके रेट हाई हैं। अब और मैं आपको बताता हूँ कि जो इस समय माल कहाँ से आ रहा है, तो कुछ किसानों खेत में ऐसे ही, जैसे आप देखो ना इनके यहाँ जो पहले 70-75 कैरेट माल निकलता था, अब इनके यहाँ 1 से 2 कैरेट माल निकल रहा है, और ये समय जा चुका है ये क्रॉप अब खत्म होने वाला है, तो ये टमाटर के जाने का मौसम है और इसलिए जो है रेट हाई है। टमाटर सीन क्या है? सीन भैया आप देख रहे हैं, एक बाल्टी तक पूरी है, दो एक नाली में थी, बाल्टी नहीं पूरी हुई, जब टमाटर थे तब रेट नहीं था भैया, 60-70 रुपये में सारा टमाटर गया है, मैक्सिमम 60-70 रुपये कैरेट
और अभी का रेट क्या है? अब 1,400-1,400 चल रहा है। तो मामला है ये देखिए लब्बोलुआब, ये है कि इनके पास जो 1.5 बीघा करीब कोई टमाटर है, तो जब इनके पास बहुत अच्छा टमाटर था, सत्येन जो है 12वीं पढ़े हुए हैं, इनका खूब टमाटर निकल रहा था, तब इन्होंने बेचा 50 रुपये से लेकर 300 रुपये कैरेट तक, जो कि एक कैरेट में 25 किलो टमाटर आते हैं। और अब जबकि रेट हो गया है 900 रुपये 1500 रुपये तक, तब इनके खेत में टमाटर नहीं है। देखिए हम इनके साथ साथ पूरी एक नाली निकलने वाले हैं और इस इनकी बाल्टी नहीं भर रही है, इनके पूरे खेत से आज सिर्फ 2 कैरेट टमाटर निकला है। 900 रुपये टमाटर जो कैरेट इन्होंने बेचा है मैक्सिमम इनका गया है, वो गया है 7 कैरेट तक, बाकी ये बेच चुके हैं 400-500 रुपये तक। तो ये है टमाटर की खेती का पूरा हिसाब किताब। तो ये बताइए कि मतलब ये जो फायदा हो रहा है किसानों, नहीं मिलने वाला ये जो पूरा 100 रुपये किलो का है? नहीं मिलेगा, नहीं सब तो कह रहे हैं, लेकिन पैसा था पूरा आपके, मतलब आप भी 900 रुपये में बेच रहे हो तो पैसा आपके हाथ में तो आ ही रहा होगा ना 1000 रुपये में। अरे तो पैसा भैया हाथ में आ रहा, तो ये दो ये 1.5 बीघे में कच्चे 2 कैरेट टमाटर निकलेंगे तो कितने हो गए 1400-2400-2500-2500 रुपये भी। ये अगर यही पहले जैसे मैंने 50 कैरेट बेचा इतने में अगर होता तो प्रॉफिट मेरा भी होता। बस यही पॉइंट है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि सर ये हुआ है कि ऐसा नहीं है कि किसान के हाथ में पैसा नहीं आ रहा, या इसमें बड़ा इसमें से 30-35% किसान के हाथ में जा रहा है 100 रुपये में से। ये समस्या ये आ रही है कि वो अगर ज़्यादातर जो माल है वो सस्ते में बेच चुके हैं। पहले बहुत नुकसान हुआ, उसके बाद में थोड़ा मान लीजिए अब कुछ रेट आया तो माल कम हो गया, तो अब थोड़ा रेट मिल भी रहा तो मान के चलिए कि थोड़ा बहुत बच गया, बाकी जो है ये मानिए कि जो निकल आएगा तो निकल आएगा, बाकी ये मानिए कि कुछ 60-70 रुपया कैरेट में हमने बेचा, जब माल निकलता था तब रेट नहीं था, 3-4-5 रुपया किलो तक बिका। और अभी आपने सबसे महंगी कैरेट कितने रुपये बेची है और कितनी कैरेट बेची है? हमने 7 कैरेट बेची है 900 रुपया की, और बाकी बाकी जो है सब वही 300-400-250 सब इसी तरह बिकी है, 200-150 रुपया 60 रुपया 50 रुपया सब इसी तरह बिका। 50 रुपया कैरेट यानी कि 2 रुपये 1 रुपये किलो, 1.5 रुपये 50 रुपया कैरेट तक हमने बेचा। तो टमाटर खत्म हो रहा है, सब कट रहा है ना टमाटर? नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम इधर के कब से एकदम खत्म किया? खत्म भैया हमारा तो कट रहा, खेत खाली खेती में है। और क्या हिसाब बेचा आपने? नहीं बेचा क्या, इधर तो जो परसों नरसों में गया था वो तो 1200-1300 रुपये कैरेट गया था। अच्छा, बाकी इसके पहले तो वही 500-600 रुपए कैरेट में ज्यादा था। आखिरी दिन आपने कब बेचा था ये पूछ रहा हूँ, आखिरी दिन कब गया वो? आखिरी दिन 24 तारीख को गया था, 24 जून को। हाँ, क्या हिसाब बेचा था वो? उस दिन तो वही बिका था, वही 1200 रुपए कैरेट, 1200 रुपया कैरेट है ना। और 1 जून को क्या हिसाब, अगर 10-15 दिन पहले पूछे तो क्या हिसाब? नहीं तब तो सस्ता था भैया, 1 जून में तो ये मान के चलिए वही 200-250 रुपए के बीच। हाँ 200-250 रुपए बैठ रहा होगा।